ध्यान से सुनेगा इसके बाद आपका वेट लॉस भी हो जाएगा आपकी स्किन भी ग्लो करेगी आप एंटी एजिंग भी करोगे और आपका जनरल जो स्वास्थ्य है वो बेटर हो जाएगा पतला अगर आप होना चाहते हो आप ध्यान से देखना ये जो मैं पी रहा हूँ ये आपको भी पतला करेगा मैं तो पतला हो ही रहा हूँ ये क्या है आप पतले कैसे होंगी मैंने कल से एक फैट लॉस का प्रोग्राम शुरू किया वो एग्जैक्टली exactly क्या है जिसके लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है कुछ पैसा खरीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एग्जैक्टली exactly वो पारस कर्ज का क्या है मैं आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ नमस्ते मेरा नाम है पारस तोमर अगर आप मुझे जानते हैं ऑसम awesome. अगर आप मुझे नहीं जानते आई एम स्किन केयर एक्सपर्ट आई एम एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मैं आपको जो जो बताने वाला हूँ ये एक्चुअली नई बात नहीं है हमारे जो ऋषि मुनि होते थे प्राचीन समय में ऐसा ही करते थे जितने भी धर्म हैं दुनिया में उन सब में इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है पर अब हम इस बारे पर भूल जाते हैं आप जब फैट लॉस करना चाहते हैं आप जब वेट लॉस करना चाहते हैं सबसे पहले हमको लगता है हमको इतना खर्चा करने की जरूरत है एक्सपेंसिव जिम में जाना है अब जिम में जाने के पहले वर्कआउट करने के पहले हमको अच्छे जूते चाहिए होते हैं अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं अच्छी बॉटल खरीदनी होती है तो जो वेट लॉस होता है ना उसका खर्चा बढ़ता रहता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं आपको जो बताऊंगा उसके लिए आपको वो आपने कहावत सुनी है लेस इज़ मोर एग्जैक्टली वही करना है वॉट यू नीड टू डू इज नथिंग फास्टिंग तो अगर आप फास्टिंग के बारे में जानते हैं, मैं कई बार बहुत सारे फास्ट करता हूँ कल एक ट्वेंटी फोर आवर का फास्ट खत्म किया मतलब मैंने चौबीस घंटे के लिए कुछ नहीं खाया सिर्फ मैंने पानी पिया नॉर्मल पानी और सुबह उठ के एक कप ब्लैक कॉफी पी जो इसके अंदर है ब्लैक कॉफी का मतलब मैंने थोड़ा सा पानी लिया उसमें एक चम्मच कॉफी डाली एंड दैट्स इट नो शुगर नो हनी नो मिल्क नथिंग पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रकार के फास्ट होते क्या हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट से जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है और जो तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली वो वही कि आप फास्टिंग जब करते हो आपका सिर्फ वेट लॉस नहीं होता आपके जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थी कैसे हो जाती है आप यंग कैसे होते हैं फर्स्ट ये चलिए पा द कांड ऑफ फास्ट मोटे मोटे तीन टाइप के फास्ट होते हैं सबसे पहला फास्ट होता है अ वाटर फास्ट जिसका मतलब ये आप उस फास्ट में सिर्फ पानी पियेंगे अब ये बात मैं बहुत बहुत तरीके से आपको बताना चाहता हूं सिर्फ पानी तो वीडियो देखने के बाद भी मुझसे बहुत लोग बोलते हैं क्या हम फल खा सकते हैं क्या हम फ्रूट खा सकते हैं क्या हम नारियल पानी पी सकते हैं क्या हम चाय पी सकते हैं दैट्स नॉट अ फास्ट ओके वाटर फास्ट जो मैं कर रहा हूं सिर्फ जल का ग्रहण एंड दैट्स इट जो दूसरा प्रकार का फास्ट होता है जो काफी लोग रिलीजियस प्रक्रिया से करते हैं त्योहारों पे करते हैं नवरात्रि में करते हैं वो है जूस फास्ट मतलब उसमें लोग सिर्फ फल या जूसेस पीते हैं आपने फल फ्रूट खा लिया उसको फास्ट माना जाता है और जूसेस ले उसको फास्ट माना जाता है मैं उसको फास्ट नहीं मानता हूं मैं उसको माता रानी का फास्ट बोलता हूँ वो आप जब कर रहे हो आप रिलीजियस प्रक्रिया से कर रहे हो वो भी अच्छा है बिकॉज आप अणचड़ी नहीं खा रहे हो आप नेचुरल चीजें खा रहे हो बट काफी लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं एक जो गलती करते हैं वो सोचते हैं मैंने तो सिर्फ फ्रूट्स का अच्छा है बट यू डोंट डों फ्रूट्स में शुगर है भले ही नेचुरल शुगर है जो उसमें वाइटमिन बहुत ज्यादा है आपकी स्किन के लिए अच्छा है कॉलोजिन के लिए अच्छा है बट इट स्टिल है शुगर एंड शुगर एज शुगर एक जो भ्रम बहुत लोगों के भाई अगर हनी खाया उससे हम मोटे नहीं होंगे अगर चीनी खाते मोटे हो जाएगा नहीं हनी इज ऑल्सो शुगर वो अलग बात है हनी में बहुत सारे वाइटमिन विच इज गुड फॉर योर हेल्थ फॉर योर स्किन बट शुगर इज स्टिल शुगर जूस फास्ट में आप या तो फल फ्रूट खाएंगे काफी लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या सिर्फ जूस पीते दैट्स नॉट फास्ट होता है आपके दिन में चौबीस घंटों में से आपने डिसाइड कर ले मैं सोलह घंटे के लिए कुछ नहीं खाऊंगा या कुछ नहीं खाऊंगी आठ घंटे के लिए मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी या चौदह घंटे आई वॉन्ट ईट समथिंग आप अपनी ईटिंग विंडो बना सकते हो Let's talk about the first kind of fast, which is the water fast. सबसे पहली चीज है वाटर फास्ट करना मुश्किल होता है उसका जो एक शब्द में आंसर है यस yes. आपके आसपास जो है घर पे लोग चाय खा रहे हैं कोई समोसे खा रहा है कोई फल फ्रूट खा रहा है मम्मी आप बोलती है कि यार कुछ खा लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी जो कंडीशनिंग है ऐसी हो गई कि सबको लगता है कि प्यार खाने में होता है राइट फास्टिंग मुश्किल जब आप परिवार में हो बहुत ज्यादा है जो अकेला बंदा रहता है उसके लिए फास्टिंग बहुत आसान है क्योंकि आपको कोई इरिटेट नहीं करेगा टॉन्ट नहीं करेगा ये नहीं बोलेगा पतले हो जाओगे छुपले हो जाएगा कुछ खा लो आपको काफी लोग बोलेंगे कि यार कुछ खाना हेल्दी नहीं होता थिंग विद फास्टिंग इज आप जितना ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे आप जब खाना नहीं खाते आपके बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं और जो सबसे बड़ी चीज़ें ऑटोफजी ऑटोफी या नो ऑटो फैजी इनफैक्ट काफी साल पहले पर्सन जिसने ऑटोफी के बारे में बात की थी उनको एक नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी का मतलब होता है ऑटो यानी कि खुद फैजी खाना क्यों होता है हमारी जो चर्बी है वो सिर्फ हमको मोटा पतला दिखाने नहीं। हमारी हमारे फ्यूल है। हमारी इस को क्यों रख के रखती है बॉडी का मानना ये है अगर आपको कल परसों खाना ना मिले डोंट वरी वी मतलब ये जो हमारी इतने बड़े बड़ी, बड़ी तोंडे लेके हम घूम रहे ये हमारा फ्यूल है आपकी गाड़ी में नहीं होता फ्यूल टैंक दिस इज फ्यूल टैंक इसका मतलब ये है जब तक आपके पास है आप ठीक रहेंगे वो अलग बात है कि आपको आदत हो चुकी खाने की अफकोर्स आपको ऐसा लगे आपकी एनर्जी शायद थोड़ी लो है आप जब पहली बार फास्टिंग करोगे तो मैं जो करने वाला हूँ मैंने फर्स्ट को चौबीस घंटे का फास्ट किया है मैंने सुबह कल चार बजे खाना खाया है चौबीस घंटे के बाद आज मैं फोर्टी एट आवर्स का फास्ट करूंगा मतलब मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा मैं कल सुबह खाना खाऊंगा मैंने फोर्टी एट आवर्स कर लिया राइट उसके बाद तीसरे बार जो मेरा फास्ट होगा वो तीन दिन का फास्ट होगा पहला फास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स एक घंटे के लिए खाना खाया दूसरा फास्ट फोर्टी एट आवर्स घंटे के लिए खाया तीसरा फास्ट सेवेंटी टू आवर्स एक घंटे खाया पहले और दूसरा मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है मैं सच्ची इन दिन में एक दिन और दो दिन में मेरा वेट ऑलरेडी दो के जी डाउन हो जाएगा पर जो पहले पहले निकलेगा वो चर्बी है एक्सेस वाटर है ऐसी ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल फैट है दैट हैपनिंग ऑन द थर्ड डे नाउ टेल यू नाटोजी ऑटोफी का मतलब ये कि आपकी बॉडी आपके जो गंदे सेल्स हैं बैड सेल्स हैं उनको पहले कंज्यूम करने लग जाएगी वाइट उसे कि ऑटोफजी और फास्टिंग कैंसर को बीट करता है बिकॉज व्हाट इट बेसिड कैंसर तो गेमी शुगर की है आपकी बॉडी की जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वाट लग गई आपका शुगर इतना ज़्यादा आउट ऑफ तो कंट्रोल हो गया आपको कैंसर हो सकता है डायबिटीज हो सकती है जब आप ओटोफजी के uh, दायरे में आ जाते हैं वन योर बॉडी स्टार्ट कंज्यूमिंग द बैड सेल्स फर्स्ट यू आर स्टार्टिंग टू गेट सेल रिनील फास्ट जिसका मतलब ये है योर जनरल हेल्थ इज बेटर फास्टिंग से जो एक और चीज़ होती है विच इज़ फैंटेस्टिक जो एंटी एजिंग है वो है आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल आपने देखा होगा आप जब 18, 19, 20 साल के होते हैं उस टाइम पे आपकी मांसपेशियां बढ़ रही हैं आप मोटे ज्यादा नहीं होते कुछ भी खा लो 16, 17 साल के लड़के लड़कियां कुछ भी खा ले मोटे ही नहीं होते राइट मैं अगर ऐसे अंगूर कोई देख भी लूँ ना मैं मोटा हो जाऊंगा उसको देख के क्यों आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल जितना हाई है आपका मेटाबुलिज्म उतना हाई है जितना ज़्यादा आपका मेटाबलिज्म हाई है आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा हाई है When you start fasting, आपका जीएच ग्रोथ हार्मोन लेवल बढ़ जाता है जिससे आपका मेटाबलिज्म बढ़ जाता है जिसके मतलब ये आपकी फैट बर्न की क्षमता ज्यादा हो जाती है वन यू ग्रोथ हॉर्मोन लेवलोज बेटर इज बटर हम जैसे जैसे बूढ़े होते रहते हैं आपने देखा होगा जैसे लोग वृद्ध होते हैं उनके शरीर सिकटना लग जाता है ग्रोथ हार्मोन जब बड़े हो रहे हैं हमारी माँपेशिया बढ़ रही है उन ग्रोथ हार्मोन की वजह से बीस इक्कीस साल के बाद आपका ग्रोथ हॉर्मोन लेवल डिक्लाइन होने लग जाता है जिसका मतलब है आपने जब बूस्ट दे दिया आपकी मांसपेशियां ज्यादा बढ़ेंगी मसल ग्रोथ इज बेटर एंड योर फैट लॉस इज लॉट मोर बेटर हो सकता है न हो पाए काफी बॉडी फॉलो राइट पहले आप सोलह घंटे की फास्ट शुरू कीजिए फिर आप उसको बीस घंटे कर दीजिए फिर आपको चौबीस घंटे कर दीजिए फास्टिंग नहीं हो रही बॉडी अगर आपको लग रहा है सर दर्द आ रहा है कभी कभी मेरे को लगता है मेरे फास्ट के ऐसे पॉइंट पे हूँ बट आई वॉन्ट माई विल पावर टू बी बस्ट्रॉर मैं ऐसा हो सकता है मैं पानी में थोड़ा सा एपल साइड विनेगर और नमक ला मैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बेसिकली uh, रिप्लेनिश कर दूंगा जिससे मुझे ऐसा प्रॉब्लम ना अब हो अब फास्टिंग के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं बट कैन एवरी वन फास्ट अगर आपको रोज कोई दवाई नहीं लेनी इफ यू डोंट हैव टू टेक अ पिल एवरी डे ब्लड प्रेशर के लिए इंसुलिन के लिए डायबिटीज के लिए फिर आप कर सकते हैं बट यू स्टिल चेक व डॉक्टर आई ऑलवेज कीप स्पीकिंग टू डॉक्टर्ट आप मेरी एडवाइस ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है हमसे बहुत सारे इन्फ्फुल्से बन के बैठे हमको सबको पता है दुनिया में मैं आपसे जो भी शेयर कर रहा हूँ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ मुझे लगता है मेरे हिसाब से सच है राइट बई ऑलवेज टेल पीपल आपने वीडियो देख लिया आप इंस्पायर हो गए दर इज नाम चेकिंग विद डॉक्टर बिकॉज एवं वी आर ऑल इन्फ्फुलिस हम ऐसे खुद को बनकर हम हेल गुरुज हैं बट वीर नो सर्टिफिकेट्स राइट सो चेक विद्स ऑलवेज गुड थिंग टू डू पर हाँ ज्ञान के हिसाब से इफ यू डोंट हैव ब्लड प्रेशर इशू यू डोंट हैव इंसुलशन इशू डोंट हैव डायबिटीज इशू दिस इज फॉर यू अब काफ़ी लोग हैं जिनको पिल विल खानी है रोज आप ऑब्सली फास्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वसली आपको वो वो पेल आप खाने के बाद खाएंगे जैसे मेरे डायट का इशू होता था सो वट ही वो डू इज वो सुबह उठ के खाना खा लेते थे अपनी पिल ले लेते थे तो उनकी फास्टिंग उल्टी शुरू होती थी वो उठ के आठ नौ बजे सुबह उनको कुछ खा लिया उसके बाद वो सिर्फ रात को डिनर खाएंगे तो वो ऐसे दस या बारह घंटे का फास्ट कर लेते थे कि आठ से सुबह आठ बजे तक शाम को फिगर आउट योर ओन विंडो फास्टिंग इज द वे टू लूज वेट, बिकॉज आपको काफ़ी लोग फास्टिंग बारे में इसलिए नहीं बताते बिकॉज किसी के पैसे नहीं बनते ना आपका जिम पैसे बनाते हैं आपकी फास्टिंग से ना आपका ट्रेनर पैसे बनाते हैं आपकी फास्टिंग से ना मैं पैसे बनाता हूँ आपकी फास्टिंग से आप मेरा फैट बनर नहीं खरीदोगे मेरे प्रोडक्ट नहीं खरीदोग मेरी प्रोटीन नहीं खरीदोगे दट्स रीजन ओबली टॉक्स बट फास्टिंग बिकॉज आपकी फास्टिंग इज नॉट कमर्शियल वायबिलिटी फॉर एनवान्स बट द बेस्ट व फास्टिंग इज वो आपके हाथ में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कॉफी भी जब मैं फास्टिंग करूँगा ऐसे नहीं कि दिन मैं चार कप कॉफी पी लूँगा बिकॉज कॉफी से भी आपकी हंगर थोड़ी सी बहुत मिट्टी है

काला नमक एप्पल साइडर विनेगर बी सी सी ऐसी ऐसी चीज़ें लू जैसे मेरा इलेक्ट्रोलाइट लेवल से हाई मेरा सोडियम लेवल क्रैश ना करे बट टुमारो आई एम गोरे मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट व्हाट टू डू टू प्रिपेयर अ फास्ट एंड हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ अ फास्ट आज के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया और राइट इफ दिस वीडियो हैज़ इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट फास्टिंग कॉमेंट्स में प्लीज अपने क्वेश्चन लिख लो बिकॉज काफी लोग के क्वेश्चन होते हैं आई विल ट्राई टू आंसर दम इन टुमो वीडियो पर इफ यू आर फास्टिंग जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो मैं आपको पहले ही बताता तो अगर आप बोलिए मैं चाय पी सकता हूँ नहीं केला खा सकते हो नहीं फ्रूट खा सकते हो आप कुछ भी नहीं ओनली वॉटर एंड दैट यू कैन है राइट वीडियो पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना इफ यू लाइक समथिंग इन्फॉर्मेशन ग्रेट ऑसम लेट्स गेट फिटर टुगेदर बिग कु